हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत कम कैलकुलेशन करके और बहुत इजी वे में कर लोगे। तो ध्यान रहे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सिर्फ प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रेशर के आगे ऑस्मोटिक वर्ड लगाना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। तो देखो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, पी वी इजकल टू एन आर टी, ये सभी लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। पी वी को मैंने इधर ले आया तो एन वाई वी आर टी, मोल्स वाई वॉल्यूम क्या हो गया कंसंट्रेशन, या उसी को बोल सकते हैं मोलारिटी। तो पी इज इक्वल टू सी आर टी या पी इजकल टू एम आर टी, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका। यहाँ पे जो P है प्रेशर उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, राइट। पाई इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सेम ही बात है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो पाई इज इक्वल टू या P इज इक्वल टू सी आर टी, याद रखने के लिए यू नो पाई क्या होता है 22, सी आर टी कैरेट, 22 कैरेट का सोना होता है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो जस्ट पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये तो हो गया नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। जहाँ पे R की जो वैल्यू आपको लेना है वो 0.08, जिसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1/12 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेशर किस में होगा, ATM में, राइट, और वॉल्यूम लीटर में, क्योंकि कंसंट्रेशन की बात है, इसलिए R की वैल्यू फिक्स हो गया। टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में। एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है तो आपको बता रखा हूँ, सिर्फ वांट ऑफ फैक्टर I से मल्टीप्लाई कर देना, तो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी हो जाएगा। जहाँ I कैसे निकलता है, 1 + n − 1 × α, n क्या है कि कितने पार्ट में वो गिवन सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ है, नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। इसके बारे में भी आपको बता रखा हूँ कि यूरिया या जितने भी शुगर हैं लाइक ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज, उन सब का I 1 हो जाएगा, फिक्स है, दैट मीन्स अल्फा 0 हो जाएंगे। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हैं उसका आई जो है वो नंबर ऑफ आयंस के बराबर ही हो जाएगा, डैट मीन्स अल्फा 1 हो जाएगा, अनलेस के क्वेश्चन में कुछ मेंशन हो, राइट। और वीक वाले एसिड या वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा आपको दे देगा तो आई निकाल लेंगे, या आई गिवन होगा तो अल्फा निकाल लेंगे, वाइस वर्सा क्वेश्चन दिया जा सकता है। यहीं से एक और पॉइंट आप देख सकते हो कि अगर टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया तो टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट, आर ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सिर्फ वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन के डायरेक्टली पोर्शनल होगा। डैट मीन्स आई इंटू सी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली होगा। इनफैक्ट सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली रिलेटेड है, राइट। तो ये एक पार्ट हो गया जो आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज करता है, एक वर्ड यूज करता है आइसोटोनिक। इसका क्या मतलब, वेरी सिंपल, जब आपके पास दो सॉल्यूशन हो यहाँ पे जैसे S1 और S2, और अगर इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है इस सॉल्यूशन का, तो बोलेंगे आइसोटोनिक, इसलिए π1 = π2 लगाना है। और अगर इसी में अगर टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया तो देख सकते हो RT कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर I1 C1 = I2 C2 लगा सकते हैं। अगर आई भी सेम हो गया तो फिर हम क्या कह सकते हैं, C1 = C2। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम में ऐसा करने को आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर मान लेता हूँ कि सॉल्यूशन 1 का प्रेशर ज़्यादा है 2 से, तो 1 वाले को बोलेंगे हाइपरटोनिक और 2 वाले को बोलेंगे हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब ही होता है लेस और हाइपर मतलब होता है मोर, यू ऑलरेडी नो। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अब हम इस पे बेस प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 12 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आई इसका कितना हो गया 1, राइट, डिजॉल इन 1000 ml, मतलब 1 लीटर ही हो गया वाटर। एग्जैक्ट सेम प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, 0.05 मोलर, ग्लूकोज है तो इसका भी आई आपका कितना हो गया 1, राइट। एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, एम्पिरिकल फार्मूला आपको गिवन है मॉलिकुलर मास। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो मॉलिकुलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट का निकालने में होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो सेम प्रेशर है, डैट मीन्स π1 = π2 लगा सकते हो, I1 C1 RT = I2 C2 RT कर सकते हैं, राइट। चूँकि ध्यान से देखो सेम टेम्परेचर, TT कैंसल, RR दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसका भी I1, ग्लूकोज का भी, तो ये भी सेम हो जाएंगे। तो सिर्फ C1 = C2, C1 कैसे निकालेंगे, 12 ग्राम बाय मोलर मास, राइट, M यहाँ पे मोलर मास है, और डिवाइडेड बाय 1000 ml है, मतलब 1 लीटर ही हो गया। तो ये हो गया कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इधर कितना 0.05, तो मोलर मास यहाँ से कितना आ गया 12 बाई 0.05, इसका ये
डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में 100, तो ये आपका 20 से, तो ये कितना हो जाएगा 240, तो आंसर विल बी 240। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर टू में अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इतना मोलर K2SO4 सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, डेट मीन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर विथ इतना मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन K2SO4 का बताना है। तो अगेन आइसोटोनिक है, सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो ध्यान रहे इसका जो I1 होगा वो आपको लेना पड़ेगा, राइट, C1 0.004, राइट, आइसोटोनिक है, टेम्परेचर की बात नहीं किया तो मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम लेना है, तो RT कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू ग्लूकोज है तो उसका I1 हो जाएगा और ये 0.01। तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हो I1 कितना हो जाएगा, इसका हटाओगे तो ये 1000 रहेंगे और इसका 100, 20 से 20 कैंसिल, 10/4 तो कितना आ जाएगा 2.5। आई की वैल्यू क्या था, 1 + n-1 × α, तो आई आपको 2.5 है, 1 + n कितना हो जाएगा, K2SO4 कैसे ब्रेक होंगे, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, टोटल यहां से n कितना मिलने वाला आयंस, 3, तो 3 - 1 कितना हो गया 2α, तो यहां से अल्फा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 1.5/2, दैट इज 0.75, परसेंटेज में बात करेंगे तो 75%, तो इंटीजर टाइप में ये 75 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, डिफरेंट आपको पूछने का तरीका होगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर बताना विच इज आइसोटोनिक, तो अगेन आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, I × C को इक्वल करना है। तो पहले वाले में I × C अगर करेंगे तो INACL का 2 हो जाएगा, 1 सोडियम 1 क्लोराइड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 2 × 1, तो इसका कितना हो जाएगा 2, और इधर में ऑलरेडी ये 2 यूरिया का बोल दिया, 1 ही लेना है, तो ये भी 2, तो राइट, तो सेम हो जाएगा A में, हमें इंटीजर टर्म में बताना है। और चेक करते हैं, 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन, तो ये 1 × 3 हो जाएगा इसका, राइट, I × C, इसका 1.5 × 2, राइट, क्यों, क्योंकि 1 पोटेशियम 1 क्लोरीन है, तो 1.5 × 2, ये भी कितना हो गया 3, तो डेफिनेटली ये भी हो जाएंगे। फिर 1.5 × ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, Al1 3Cl मिलेंगे, टोटल 4, तो 4 × 1.5, तो ये कितना आएगा 6, और यहाँ से ध्यान से देखो तो ये 2 और 1 3 आएंगे, 3 × 2, तो ये भी 6, तो ये भी हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो 2.5 KCl है, तो ये 5 हो जाएंगे, और ये ध्यान रहे 2 एल्युमिनियम 3 सल्फेट, तो ये 5 × 1, तो ये भी 5 हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे चारों को चारों का आइसोटोनिक होंगे, क्यों, क्योंकि सबका IC सेम है, जब तक टेम्परेचर ना दे आपको इक्वल मान के चलना है, और चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये KCl Al3, तो इसलिए इनका अल्फा नेगेटिव है, तो 1 मान लेंगे। ग्लूकोज यूरिया आपको बता रखा हूँ 1 होते हैं उसका आई, राइट, इस टाइप से। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, सेम टाइप के क्वेश्चन, मोलर मास निकालने का, 2.5 ग्राम सॉल्यूट का 250 ml में डिजोल्व किया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में है, तो मोलर मास, यहाँ पे बस यूनिट का ध्यान रखना है, राइट, बाकी कुछ नहीं है, चूंकि सॉल्यूट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I1 लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूट के बारे में बताया नहीं, राइट। तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, C × R × T, पाई यहाँ पे ध्यान से देखो पास्कल है, लेकिन हमें किस में ले जाना पड़ेगा, ATM में, राइट, यू नो जितना ATM होता है अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आपका बार हो जाएगा, और ये 10^5 पास्कल होते हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 400 को डिवाइड कर दूँगा किससे, 10^5 से, तो इतना बार आ गया या इतना ATM आ गया। कंसंट्रेशन तो 2.5 ग्राम है बाय मोलर मास नहीं मालूम, वॉल्यूम 250 ml में है तो ऊपर में चला जाएगा तो 1000, तो ये कंसंट्रेशन हो गया। R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर जो है वो इसमें गिवन था, एट वॉट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन ले लो, तो 300 केल्विन पे निकालना था ये, ओके। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं m, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, ये 250 से 4 टाइम्स में जाएंगे, ये 20 से ये 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब ध्यान से देखो तो इधर ये 2.5 × 4 कितना हो गया 10, और ये इधर 3 है, राइट, तो ये 4 से आपका ये 4 भी बाय द वे कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ध्यान से देखो 2.5 × 3, राइट, 10^5 इधर में,
और नीचे में ये 12 बचेंगे, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो 62250 आ जाएंगे। तो कभी कभी इतना बड़ा नंबर आ जाता है तो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि आंसर होगा कि नहीं। इंटीजर टाइप में हो सकता बेटा, बस आपका प्रोसीजर और यूनिट सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में विच इज़ हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको आई इंटू सी लेना है, तो आपको सी गिवन है, आई कैसे लेंगे देखो, ये जब भी स्क्वायर ब्रैकेट हो तो ये पूरा एक यूनिट ब्रेक होगा और चार पोटेशियम है, तो पहले वाले के लिए 0.5 इंटू 4 और 1 5 हो जाएगा। बी वाले के लिए ये 1 मोलर है 1 और ये 2 अमोनियम के और 1 सल्फेट के, तो 3 हो जाएंगे। सी वाले के लिए 0.1 है इंटू 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, तो 3 हो जाएंगे। डी वाले के लिए 0.5, 2 एलुमिनियम 3 सल्फेट, तो 5 हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया आपका 2.5, ये आपका आ गया 3, राइट, ये आ गया आपका 0.3 और ये भी आ गया आपका 2.5। तो हाईएस्ट आपसे पूछा है तो ऑप्शन कौन आ जाएंगे, बी, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, राइट, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी है। कभी कभी इसी में ऑर्डर भी पूछ सकता है या लोएस्ट भी पूछ सकता है, इस टाइप से आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है 0.6 ग्राम यूरिया डिजोल्व करके 1.8 ग्राम ग्लूकोज 100 ml ऑफ वाटर में 27 पे ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। तो ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, 0.6 ग्राम यूरिया है तो 0.6/60, तो ये 0.01 मोल्स हो जाएंगे आपके, राइट, कैसे, क्योंकि इसका हटाओगे तो ये 10 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 1/100 0.01 मोल, वैसे ही 1.8/180 तो ये भी आपका 0.01 आएगा। चूंकि दोनों यूरिया ग्लूकोज का I1 होता है, राइट, पाई इज इक्वल टू I1 हो गया तो CRT, राइट, तो इस केस में दोनों का ऐड करना पड़ेगा, राइट, तो C1RT प्लस C2RT, बाय द वे C भी दोनों का सेम है, RT अगर आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, तो डैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इजीली हम ऐड कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ध्यान रहे ये मोल्स है, हमें कंसंट्रेशन लेना है, तो वॉल्यूम 100 ml है उसको डिवाइड करेंगे, तो इसका कंसंट्रेशन अगर निकालूंगा तो 0.01/100/1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, राइट, 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 0.1, तो ये भी 0.1 ही हो जाएंगे, राइट, तो 0.1 कितना हो जाएगा 0.2, आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर आपको लेना है 300। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में बच्चे टाइम लगाते हैं, नहीं लगाना है, 12 से काटोगे 12 2 द 24, 12 5 द 60, तो देख लो 25 2 द, तो 50 मतलब 5 के आसपास आएगा, 5 के आसपास कौन है ये, तो ऑप्शन सी, बाकी नहीं हो सकते। तो इस तरीके से आपको करना है बहुत कम कैलकुलेशन करके। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, एक को बोलेंगे आइडियल और एक को बोलेंगे नॉन आइडियल, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, इस पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं बस। तो आइडियल मतलब वैसे सॉल्यूशन जो फॉलो करेंगे रॉड्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन पे एंड हर एक टेम्परेचर पे, राइट, जबकि ये नहीं फॉलो करेंगे सारे कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे, राइट, किसी एक को याद रखो दूसरा उसका रिवर्स हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पे 0 होगा, डेट मीन्स जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, तो मान लो आपने सॉल्यूट का 2 ml लिया और सॉल्वेंट का सपोज कर लो 10 ml लिया, तो टोटल 12 ml हो गया, तो डेल्टा वी मिक्स 0 रहेगा, राइट, ना तो 12 से ज़्यादा आएगा ना 12 से कम, वैसे ही डेल्टा H ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना ही गेन होगी, इसलिए ये आइडियल कहलाता है, जबकि ऐसा एग्जैक्टली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। तो ये 0 होंगे ये सब, राइट, ये यहाँ पे 0 नहीं होगा, आइदर कम होगा या ज़्यादा होगा, ये डेल्टा वी मिक्स मतलब समझ गए, राइट, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम लिया है दोनों को ऐड करोगे तो वो एग्जैक्टली उसी के बराबर आ रहा है, तो इसलिए डेल्टा वी मिक्स आपका 0 होगा, यहाँ पे नहीं होगा, इंटरेक्शन होने की वजह से आइदर उससे कम हो जाएंगे या उससे ज़्यादा हो जाएंगे। सिमिलरली जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा जो एक्सपेरिमेंटल है और जो कैलकुलेट करोगे रॉड्स लॉ से, उन दोनों का डिफरेंस अगेन 0 होगा, यहाँ पे 0 नहीं होंगे। तो आप कैसे पहचानोगे कि गिवन सॉल्यूशन आइडियल है, जब सॉल्यूट सॉल्यूट में एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है वो एग्जैक्टली सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो जाए, इसलिए ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आइडियल की बात हो रही है। और कैसे पहचान सकते हैं, जब आइडेंटिकल इन साइज हो, ये भी वेरी रेयर चांस है, राइट, पोलारिटी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए तभी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होंगे। एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, जैसे अल्कोहल मिथेनॉल इथेनॉल जस्ट नेक्स्ट सीरीज वाला, राइट, CH2 का डिफरेंस हो या CH3 का, जैसे यहाँ पे बेंजीन टोलुइन, तो ये सब जस्ट उसके होमोलोगस सीरीज वाले हैं, तो उसी में होगा जस्ट नेक्स्ट वाले, राइट।
तो ये सब आपका क्या फॉर्म करेगा, आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा जी मिक्सिंग, गैस फ्री एनर्जी और एंट्रोपी मिक्सिंग, तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये डिफरेंस नहीं है, ध्यान दे, ये दोनों में सेम बात रहती है, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल। उसके लिए ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होगा, डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, राइट। मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो होनी चाहिए, इसके लिए ये कंडीशन फॉलो दोनों में होता है, दोनों में सेम है, डिफरेंस नहीं है, बाकी चीज़ें डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी एक पॉजिटिव डिविएशन वाले होते हैं, एक नेगेटिव डिविएशन वाले, तो उसको कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन वाले और एक को बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन वाले। तो ये नेम से क्लियर है, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब हुआ कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है, राइट, एक्सपेरिमेंट से जो आया वो थ्योरेटिकल प्रेशर से ज़्यादा है। थ्योरेटिकल इन द सेंस जो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेटेड वाला जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम पड़ जाएगा ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल से। इसलिए आप कह सकते हो कि डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव ध्यान रखना, डेल्टा वी पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे कहने का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम मिक्स करेंगे, मान लो 10 ml और 50 ml मिक्स किया, तो टोटल कितना हो गया 60 ml, तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम, 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, एटसेट्रा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर होंगे। डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव से पॉजिटिव ध्यान रखो ग्रेटर, डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन जीरो मतलब कैसा रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हो कि कौन पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन होंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच जो इंटरेक्शन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट से, राइट। इसलिए आप कैसे पहचानेंगे कि कोई गिवन सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, तो पोलर मॉलिक्यूल में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व है, जैसे वाटर में बेंजीन टॉल्यूइन, तो वाटर पोलर हो गया, बेंजीन टॉल्यूइन नॉन पोलर हो गए, तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई इंटरेक्शन आएगा नहीं, तो आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा मतलब हीट देना पड़ेगा, समझ के बात। वैसे ही वाटर में अल्कोहल, राइट, ये भी बहुत ज़्यादा पोलर है, ये वेरी लेस पोलर है, तो इस टाइप वाले भी चल जाएंगे, या अल्कोहल में बेंजीन या टॉल्यूइन, तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, और कैसे तो वो समझा दिया, और इतना तो कम से कम ध्यान रखना है क्योंकि 99% यही पूछे जाते हैं। चूँकि पॉजिटिव डिविएशन है तो उसका क्या मतलब है ग्राफिकली, कि जो भी ग्राफ बनेगा वो आपका जो आपका थ्योरेटिकल है उससे ज़्यादा वैल्यू होगी, तो उसके ऊपर बनाना है। जैसे अगर मान लो ये, तो इसके ऊपर यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ये सिर्फ अगर ए की बात करें तो, ये बी का है तो इसके ऊपर ही ग्राफ बनाना आपको, तो ये सब जो है वो आपके पॉजिटिव डिविएशन वाले। और वैसे ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया टोटल वेपर प्रेशर, तो इसके ऊपर आप ग्राफ बनाएंगे, तो ये सब कौन से हो गए, पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव मतलब जो आपका थ्योरेटिकल ग्राफ है उससे ऊपर ग्राफ बनेगा, वेरी सिंपल। चूंकि वी नो वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है, तो इसलिए चूंकि यहाँ पे ऊपर बनेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, इसलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और कभी कभी वो पॉजिटिव डिविएशन ना बोल करके बोल सकता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाले कौन है, तो बात वही है, कहने का तरीका अलग है, समझ के बात। एजियोट्रॉप का क्या मतलब हुआ कि आपका जो सॉल्वेंट डैट मीन्स लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन होगा किसी कंपोनेंट का, वही मोल फ्रैक्शन किस में होना चाहिए, गैस में भी होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। वैसे ही नेगेटिव डिविएशन में आप सब कुछ क्या कर देना है, नेगेटिव, डैट मीन्स जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो आपका कम हो जाएगा, डैट मीन्स एक्सपेरिमेंटल कम हो जाएगा, कैलकुलेटेड डैट मीन्स जो आप रॉड्स वॉ से निकालते हो उससे कम वैल्यू आएगी, इसलिए नेगेटिव वर्ड यूज किए हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव हो जाएंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने मतलब कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप कैसे पहचान जाओगे कि एक्सोथर्मिक होना चाहिए, जैसे वाटर में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, HCl, HNO3, HBr, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो ये सब के सब आपके नेगेटिव डिविएशन वाले हैं। एक और एग्जांपल ध्यान रखना है, क्लोरोफॉर्म इन एसीटोन, राइट। क्लोरोफॉर्म का ये जो हाइड्रोजन है वो 3 क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिवली चार्ज गेन कर लेता है, ज़्यादा ही हो जाता है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो इसमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा वो ग्रेटर होगा सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, इसलिए ए बी का इंटरेक्शन यहाँ पे कंपीट करेगा ए ए और
बीबी के इंटरेक्शन से। तो ये सारे पॉइंट रटना नहीं बेटा, नेगेटिव में ये सारी चीज़ें हैं। और चूंकि अब इसमें क्या होगा, सारा ग्राफ आपका जो थ्योरेटिकल वाला उससे नीचे रहेगा, जैसे इसमें इसके नीचे ऐसे रहने वाला है, इसमें इसके नीचे ही रहने वाला है, इस लाइन के इसमें इसके नीचे रहने वाला है। तो वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो कभी कभी नेगेटिव डेविएशन ना बोल करके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोल सकता है। एंड ये आपको क्लियर ही है, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, चाहे वो आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, पॉजिटिव डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन हो, डजंट मैटर, इसलिए हमने उसको ऊपर ही लिखा है, राइट। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। इस पे बेस्ट बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो कि इससे बाहर आप नहीं जा सकते। सारा चीज़ हमने समझा दिया, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। अब आप सारे पीवाईक्यू को कर सकते हो। थैंक यू।